आज बात करनी है आपके साथ आमिर माजिद के बारे में, ठीक है। उस लोगों ने उस पर हमला किया है भाई, उसके सर पे लगी है, उसकी बाजू टूटी है, बहुत सारा सीन हुआ है भाई। वो एडमिट है इस टाइम, ठीक है, वो सीरियस, और लोगों की जलती है क्योंकि वो सब नहीं कर पाएंगे जो उसने अचीव किया, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। आज सुबह सुबह पहले एक बैड न्यूज मेरे को मिली थी, और अभी मैं गया था बाइक इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए। मैं उबैद की तरफ देख रहा था और भाई पता ही नहीं चला कि मैं स्नो पे कब चढ़ गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। आमिर माजिद से सीखा है, मैंने आमिर माजिद से इंस्पायर हुआ। नारी है भाई, नारी है। चक्कर रहे हो राइट नाउ, मुझे पता चल रहा है कि भाई वो नॉर्मल इंश्योरेंस कर रहे थे, मेरा जीरो डिप कर ही नहीं रहे। वो बंदा मुश्किल ही 2 घंटे सोता होगा, मुझे नहीं लगता वो 2 घंटे भी सोता होगा, क्योंकि व्लॉगिंग करना दिन में फिर एडिट करना, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ गया ना मेरे में कि भाई अब हैंडल ही नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ। हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक होगा, खैर से होंगे, आपका बढ़िया जरूर होगा, बढ़िया भी होने चाहिए गाइज। तो गाइज आज आप सोच रहे होंगे ये स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, ये स्टार्टिंग हो रही है यहाँ से, हमारे स्टंट पॉइंट से। तो हमारे स्टंट पॉइंट से आज मैं इसलिए शुरुआत कर रहा हूँ क्योंकि आज जो मेरा दिल है ना बहुत ही ज्यादा सैड है। बात करनी है आपके साथ आमिर माजिद के बारे में, ठीक है। आमिर माजिद एक ऐसा बंदा था जिसने जम्मू एंड कश्मीर में रेवोल्यूशन लाया। वो बंदा धीरे धीरे फेम पाता जा रहा है, धीरे धीरे वो सक्सेसफुल होता जा रहा है, वो अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर रहा है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। ज्यादा दिन में व्लॉगिंग करता है, रात को एडिट करता है। वो बंदा मुश्किल ही 2 घंटे सोता होगा, मुझे नहीं लगता वो 2 घंटे भी सोता होगा, क्योंकि व्लॉगिंग करना दिन में फिर एडिट करना उसको, फिर यहाँ से सॉन्ग की तरफ, मतलब भाई वो लेजेंड है, सीरियसली कह रहा हूँ। उस लोगों ने उस पर हमला किया है भाई, उसके सर पे लगी है, उसकी बाजू टूटी है, बहुत सारा सीन हुआ है भाई। वो एडमिट है इस टाइम, ठीक है, वो सीरियस है, बहुत ही ज्यादा सीरियस है वो। क्यों भाई, रीजन क्या है उसके पीछे? सीन ये है कि मेरा बोलने का ये मतलब है कि जो बंदा मेहनत कर रहा है भाई उसे हेट मत करो, ठीक है। पहले उसकी मेहनत चेक करो कि वो बंदा कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, वो बंदा कहाँ से उठ के कहाँ आया भाई, उसके घर पे रास्ता ही नहीं है, वो वहां से उठ के यहाँ चला आया भाई, इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। वो सक्सेसफुल हो रहा है, उसने बाइक्स परचेज की, उसने गाड़ियां परचेज की, वो एक लग्जरियस लाइफ जी रहा है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहा है भाई, ठीक है, वो मेहनत कर। बोलने का मतलब ये है कि उसके बहुत ही ज्यादा हेटर्स हो गए हैं, बहुत ही ज्यादा, पता है क्यों? क्योंकि वो सक्सेसफुल हो रहा है, क्योंकि वो अपने सारे ड्रीम्स को पा रहा है, क्योंकि वो सब कर रहा है जो उसके ड्रीम्स है। और पता है वो कैसे कर रहा है? वो अपनी मेहनत से कर रहा है, अपनी मेहनत का खाता है, वो किसी का नहीं खाता है भाई, उधर से लाता है इधर से। और लोगों की जलती है क्योंकि वो सब नहीं कर पाएंगे जो उसने अचीव किया, वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, वो मेहनत नहीं कर पाएंगे। दिल से बहुत ज्यादा बुरा लगा, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि भाई वो मेरी इंस्पिरेशन है। मतलब मैं क्या बताऊं गाइस, परसों मेरे 3 क्रैश हुए, उसमें से मेरी टांग पे लगी है। तो आज मैं जा रहा हूं डॉक्टर के पास भी, तो डॉक्टर के पास भी देखते हैं क्या सीन देखने को मिलता है भाई, वो क्या बोलता है। अगर वो बोलता है रेस्ट करने के लिए तो रेस्ट ही करते हैं, अगर वो मेडिसिन देता है तो मेडिसिन खा लेते हैं। और बाइक में भी बहुत नुकसान हुआ है, बाइक दोनों तरफ से टूट गई है, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, और जो बैक वाली ब्रेक है वो भी डेड है। अभी का सीन है कि अभी निकलते हैं यहाँ से और जाते हैं मार्केट में, मार्केट में बहुत सारी चीजें करनी है, पहले बैंक पे जाएं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं निकल चुका हूँ यहाँ से और अभी हम सीधा जाएंगे मार्केट वाली साइड, मुझे बहुत सारी चीजें लानी है और बहुत सारा काम है तो वो निपटा के। गाइस अभी मैं आ चुका हूँ सीधा रोड पे, और भाई मतलब दिल इतना ज्यादा सैड है ना भाई, कसम से कह रहा हूँ। चलता है सीधा ऊपर वाली साइड, बारिश आज जोरों शोरों से हो रही है, ठीक है। प्रिडिक्शन ये थी कि बर्फ होगी, बर्फ तो नहीं हो रही है लेकिन बारिश जरूर हो रही है। तो बारिश में बाहर निकलना भाई मतलब समझ रहे हो, तो भाई 0 डिग्री टेम्परेचर है, तो और मैं 0 डिग्री टेम्परेचर में निकला हूँ फिर से घर से मोटो ब्लॉग बनाने के लिए। कल जो है 3 बार मेरी टांगे ऊपर हुई। पहले मैं फिलहाल जाता हूँ ऊपर वाली साइड, और बाइक का भी देखेंगे इसका रिपेयरिंग का क्या खर्चा आता है, तो वो भी चेक करेंगे। उबैद की तरफ देख रहा था और भाई पता ही नहीं चला कि मैं स्नो पे कब चढ़ गया, ठीक है। इसलिए कहते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी। तो एक बार भी मेरे साथ ऐसा ही सीन हो गया, मैं पीछे देख रहा था और मेरे साइड में जो है गाड़ी वाला आ गया और मैं सीधा उसके साथ हिट हो गया। मुझे हेलमेट भी दूसरी परचेज करनी है, क्योंकि ये वाली हेलमेट पहन पहन के भाई अब मेरा मन भर गया इससे। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको परचेज किया था ना भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये लुक में बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, इसकी ग्राफिक्स जो है वो बहुत खतरनाक थे, और मुझे रेड कलर पर्सनली थोड़ा ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो उस वजह से मैंने ये परचेज की थी। का सीन है कि मैंने खाना वगैरह कुछ भी नहीं खाया था, सीधा चलते हैं ढाबे पे और कुछ खाते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या देखने को। तो गाइस ये मैं निकल चुका हूँ यहाँ से, कुछ खा पी लिया, मैं चलता हूँ सीधा ऊपर वाली साइड। तुमसे कह रहा हूँ, जब मैं बाइक पे होता हूँ ना तो मैं इतना खुश होता हूँ भाई कि हाँ मैं बाइक राइड कर रहा हूँ, वहाँ जा रहा हूँ, ये जा रहा हूँ, मतलब कुछ अलग ही खुशी जो है ना वो बाइकर से जान सकते हैं जब मैं बाइक पे होता हूँ। मैंने आमिर माजिद से सीखा है, मैंने आमिर माजिद से इंस्पायर हुआ हूँ, लेकिन भाई आज उसको ऐसे इंजरीज के साथ देखना भाई मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ रहा, बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरा लगा यार, कसम से कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। कि अभी सीधा पहुँचे हैं मार्केट, मार्केट में आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक थोड़ा सा हमें देखने को मिल चुका है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं है। अभी सीधा चलते हैं ऊपर वाली साइड, पहले बैंक पे चलते हैं, वहाँ पे हमारे पेमेंट के थोड़े बहुत इश्यूज़ थे वो क्लियर करेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या सीन देखने को मिलेगा गाइस हमें। पहुँचे अपनी वाली लोकेशन पे और
भाई बाइक को लगाते हैं साइड में और जाते हैं अंदर, देखते हैं वहाँ क्या इशू आ रहा है, और जो कोई इशू होगा उसको सॉल्व करके, भाई नारी है, भाई नारी है, चक्कर रहे हो, मतलब तबाही सीन हो गया। आंटी जो है ना वो यहाँ पे चल रही थी भाई, समझ रहे हो, ये फुल तबाही सीन हो गया। अभी हम निकल चुके हैं यहाँ से और बैंक वाले बोल रहे हैं भाई कंप्लेंट करो, कुछ करो यार, भाई अभी थोड़े से पैसों के लिए क्या कंप्लेंट करना भाई, छोड़ दो यार, ठीक है जो हुआ सो हुआ। तो अभी निकलते हैं यहाँ से और देखते हैं आगे क्या सीन देखने को मिलता है गाइस हमें। बस ठंड जो है ना भाई वो ख़तरनाक है, सीरियसली कह रहा हूँ, मौसम आप चेक करो एक बार यार, मतलब बर्फ़ होने वाली है भाई, तो बर्फ़ से पहले थोड़ा माहौल जो है ना वो ठंडा हो जाता है, तो सेम वही हो रहा है हमारे साथ, मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है, पता नहीं यार मेरा बैलेंस ही नहीं बन रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है क्यों। अभी एक दो और जगहों पे जाना है, वो सारा सीन क्लियर करके फिर निकलते हैं यहाँ से गाइस। भाई मैंने गलत टर्न ले लिया, लेकिन क्या करता भाई, जगह खुली थी तो ले ली, जो है ना वो नेक्स्ट लेवल ठंड है, पता है मुझे ठंड किसी भी बॉडी पार्ट पे नहीं लगती है, मुझे अगर लगती है तो हाथों में लगती है, वो भी बहुत ही ज़्यादा। मेरी बाइक की हैंडल जो है ना वो लूज़ हो चुकी है, डैट्स वाई मेरा बैलेंस नहीं बन रहा है, मेरी नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा, और वो भी समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों हो रहा है। क्या सीन ये है कि अभी घुमाते हैं और निकलते हैं नीचे वाली साइड, और दो तीन चीज़ें लानी है गाइस, वो भी ला के रखते हैं, फिर देखते हैं आगे का सीन क्या देखने को मिलता है गाइस। ओहो यहाँ पानी देख रहे हो गाइस, पावर था भाई गाइस, एक गाड़ी वाले ने पीछे से ठोक दिया था, और पिछले कुछ दिनों से चाहा था कि मैं आपके लिए लॉन्ग ट्रिप लेके आऊं, लेकिन आप सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो गाइस, तो थोड़ा बहुत सपोर्ट तो बनता है भाई, अगर मैं आपके लिए लॉन्ग ट्रिप्स लेके आ रहा हूँ तो थोड़ा बहुत सपोर्ट आप भी करो यार। भाई अभी धीरे धीरे ही चलते हैं नीचे वाली साइड, मौसम बिल्कुल ही ख़राब हो रहा है, क्योंकि ठंड जो है भाई वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है यार, मतलब हाथ जो है ना वो फील ही नहीं हो रहा है, ग्लोव लगा के। पता है आपको मेरे फेस व्लॉग्स ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे मोटर व्लॉगिंग वाले वीडियोज़ है वो पसंद आते हैं, तो कोई चक्कर नहीं भाई, आपके लिए लेके आता हूँ मैं, चाहे ठंड हो बर्फ़ हो जो कुछ भी हो ना भाई, आपके लिए मैं हमेशा रेडी हूँ उस चीज़ के लिए। इस वाले बंदे के पास जाना है भाई, ये भी यहाँ पे गाड़ी में बैठे है लाला, सीरियसली यार मेरा दिल टूट गया। अब एक और साइड से भाई, भाई जब मैंने लास्ट टाइम इंश्योरेंस कराया था, मैं जो है नॉर्मल इंश्योरेंस करा दिया है मेरा, मतलब थर्ड पार्टी नहीं नॉर्मल, मतलब अगर कोई पार्ट टूटा है ना तो आधा मुझे देना है और आधा कंपनी देगी। जब भी इंश्योरेंस कराओ ना भाई, इसको बोलो जीरो डिप ही करो, नई बाइक परचेज करे ना उसको बोलो 5 ईयर्स का जीरो डिप करो, चाहे आपको 30,000 देने पड़े ना एक साथ दो, लेकिन 5 ईयर्स का जीरो डिप इंश्योरेंस कराओ, थर्ड पार्टी कभी नहीं करवाना। अभी का सीन है मेरा मूड जो है बिल्कुल खराब हो चुका है, अभी मैं सीधा घर ही जाऊंगा। आप लोग देख पा रहे मौसम जो है वो बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, और मतलब ठंड जो है वो बहुत खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं सीधा जा रहा हूँ घर। आज सुबह सुबह पहले एक बैड न्यूज़ सुनने को मिली थी, और अभी मैं गया था बाइक की इंश्योरेंस क्लेम निकालने के लिए, वहाँ पे भी एक बैड न्यूज़ मुझे सुनने को मिली है कि मेरी बाइक में जो इंश्योरेंस है वो नॉर्मल, पहले आती है थर्ड पार्टी, फिर आता है नॉर्मल, और फिर आता है जीरो डिप, समझ रहे हो। तो मतलब जिस कंपनी से मैंने करवाया इंश्योरेंस वो है बजाज, बजाज से मैंने जो इंश्योरेंस करवाया था जब मैंने फर्स्ट टाइम बाइक परचेज की थी, तो मैंने उनको 10,000 रुपीज़ दिए थे, तो उसमें फर्स्ट ईयर का मेरा जीरो डिप आता था, बाकी 4 ईयर्स में आता था थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो फिर जो है मैंने पर ईयर वो मेरे अकाउंट से 1100 काटते थे जीरो डिप के लिए, भाई उन्होंने बोला था कि भाई जीरो डिप इंश्योरेंस फिर से हो रहा है, ठीक है। एक तो मैंने 10,000 दिए, 1100 वो पर ईयर मेरे से काट रहे थे अकाउंट में। तो सीन ये है कि भाई अभी राइट नाउ मुझे पता चल रहा है कि भाई वो नॉर्मल इंश्योरेंस कर रहे थे मेरा, जीरो डिप कर ही नहीं रहे। अभी क्या है कि मैं पहुंचा हूं घर, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, फिर ढाबे पे गया, वहां पे थोड़ा सा चाय वगैरह पी, एंड उसके बाद जो है निकल गया था वहां से क्लेम निकलवाने के लिए। तो जब भी मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने बैड न्यूज़ दे दी एक और, सुबह आमिर माजिद की बैड न्यूज़ सुनी, अभी ये बैड न्यूज़ सुनी गाइस। तो अभी घर आए, अभी थोड़ा सा खाना वगैरह खा लेता हूँ, उसके बाद मिलते हैं आपके साथ। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से बोलनी है, बहुत मेरे रेगुलर वीडियोस आते थे तो कुछ लोगों ने मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो मैं बता नहीं सकता, बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैं बता सकता हूँ, बट अभी नहीं, राइट टाइम आने दो, मैं सारा सब कुछ बताऊँ किसने क्या क्या किया मेरे साथ। बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो मैं दिखा नहीं पा रहा था ऑन कैमरा, एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हुई थी जो कि मैंने खुद अकेले फेस की और अकेले उन प्रॉब्लम्स को। तो सीन अभी क्या है कि मैं बहुत ज़्यादा प्रे कर रहा हूँ कि आमिर भाई ठीक हो अच्छे से बहुत जल्दी, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा लो फील कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब स्ट्रेस इतना ज़्यादा बढ़ गया ना मेरे में कि भाई अब हैंडल ही नहीं हो रहा है। अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ उसके बाद क्या सीन दिखने को मिलता है, बट आज का व्लॉग जो एंड करते हैं यहीं पे। आई होप कि आपको जो मेरा व्लॉग है पसंद आया हो, अगर पसंद आए तो लाइक मुझे शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए एडवेंचरस व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी, बी फाइन, खुदा हाफिज़।